तमाम दर्शक मित्रों का हमारे YouTube मंच पर स्वागत है। सरकार नहीं संगठन की है वो बात, गठबंधन की राजनीति से क्यों अनजान नहीं है मोदी। पिछले एक दशक में एक सर्वशक्तिमान CEO की तरह केंद्र में अपने दम पर सरकार चलाने के बाद अब सबकी निगाहें नरेंद्र मोदी पर है, जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में अपना कार्यकाल शुरू करने जा रहे हैं। इस बार बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है और नरेंद्र मोदी NDA गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं। 2014 और 2019 के बाद 2024 की कहानी क्या कुछ अलग होगी। कई लोग ये सवाल कर रहे हैं कि गुजरात और केंद्र में मोदी ने पूर्ण बहुमत की सरकार चलाई, गठबंधन का उनके पास अनुभव नहीं है। कई लोगों के दिमाग में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या उनके स्वभाव में लचीलापन और अलग अलग दलों को साथ लेकर चलने की क्षमता है। इन सवालों के बीच मोदी के पार्टी सहयोगी बताते हैं कि भले ही वह अपने पिछले कार्यकालों में सहयोगियों पर निर्भर न रहे हों, लेकिन वह गठबंधन की राजनीति से अनजान नहीं है। पार्टी सहयोगी बताते हैं कि 1990 के मध्य में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन के पद पर रहते हुए मोदी ने उत्तर में गठबंधन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें शिरोमणि अकाली दल भी शामिल था। 1997 में पंजाब में अकाली दल ने चुनाव जीता था। इसके अलावा हरियाणा के प्रभारी के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान भाजपा ने राज्य में बंसीलाल और ओम प्रकाश चौटाला के साथ काम किया था। जम्मू कश्मीर में भी मोदी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अब्दुल्ला परिवार के साथ काम किया, जो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में शामिल थे। अटल बिहारी वाजपेयी समन्वय का नेतृत्व कर रहे थे, तो वहीं मोदी महासचिव के रूप में जॉर्ज फर्नांडिस, नीतीश कुमार, शरद यादव, जयललिता, ममता बनर्जी और बाला साहेब ठाकरे सहित अन्य सहयोगियों के साथ समन्वय में शामिल थे। जब मोदी 1989 में गुजरात भाजपा के साथ थे, तो भाजपा जनता दल गठबंधन ने राज्य की 26 में से 23 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस को 3 सीटों पर जीत मिली थी। एक साल बाद विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी सत्ता में आई। पार्टी सूत्रों ने कहा कि आपातकाल के दौरान मोदी को राजनीति से जुड़े अलग अलग लोगों के साथ काम करने का शुरुआती प्रशिक्षण मिला, जिसका उन्होंने एक ब्लॉग में उल्लेख किया। मेरे जैसे युवाओं के लिए आपातकाल ने नेताओं और संगठनों के एक विस्तृत स्पेक्ट्रम के साथ काम करने का एक शानदार अवसर दिया, जो एक ही लक्ष्य के लिए लड़ रहे थे। इसने हमें उन संस्थानों से परे काम करने में सक्षम बनाया जिनके साथ हम पले बढ़े थे। मोदी भले ही केंद्र में बहुमत वाली सरकार चला रहे थे, लेकिन कई राज्यों में बीजेपी गठबंधन के साथ सरकार चला रही थी। राज्य स्तर पर भी गठबंधन महत्वपूर्ण है, सहयोगियों के साथ मिलकर काम करना पड़ता है। जब बीजेपी और PDP ने जम्मू कश्मीर में गठबंधन बनाया और मोदी ने मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ मिलकर काम किया, उनके पार्टी सहयोगियों ने कहा कि अतीत में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के हमलों के बावजूद मोदी ने कभी भी उनके साथ काम करने के रास्ते में इसे आने नहीं दिया। अब इसी कौशल की परीक्षा है और नई सरकार का मूल्यांकन एक अलग तरीके से होगा। चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर। गिरती अर्थव्यवस्था, धर्म का चढ़ता नशा, बुरी सियासत, ग्रामीण पंजाब मानो पुराने वक्त की याद दिलाता है। पंजाब में जबकि चुनाव अभियान जारी था, वहां की दीवारों पर लिखी इबारतों को पारा इचकर मैं इस दुविधा में पड़ीच गया कि पहले किस मसले को चुनूं, राजनीति और चुनावी संभावनाओं को या उनके मुकाबले ज्यादा गंभीर सामाजिक बदलाव को, जो कि राजनीतिक और धार्मिक बदलाव भी है। साफ कहूं तो यह भेद खास तौर से पंजाब पर नहीं लागू होता, क्योंकि धर्म और राजनीति का मेल सिख धर्म के केंद्रीय सिद्धांत मीरी पीरी में दर्ज है। पिछली सदियों में यह और मजबूत ही होता गया है, क्योंकि इसे सिखों के छठे गुरु गुरु हरगोविंद 1595-1644 ने औपचारिक स्वरूप दे दिया था। वे अपने साथ दो तलवारें रखते थे, एक तलवार मीरी राजनीतिक लौकिक शक्ति के लिए, दूसरी पीरी आस्था अध्यात्म की शक्ति के लिए। इस कॉलम की सीरीज का यह लेख मुख्यतः पंजाब के माझा क्षेत्र की यात्रा पर आधारित है।
ब्यास नदी के पश्चिम में पाकिस्तानी पंजाब से सटे बेहद उपजाऊ कृषि प्रधान इलाके को माझा क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र के लगभग चप्पे चप्पे पर महान सिख गुरुओं के कर्मों और पदचिह्नों की छाप महसूस की जा सकती है। मैं बाद वाले पहलू से शुरू करूंगा। सिखों के सबसे पवित्र स्थल इसी क्षेत्र में हैं, जैसे अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, उसकी प्रतिकृति के रूप में गुरुद्वारा पास के तरण तारण में है, जिसे दरबार साहिब कहा जाता है। इसके साथ जो सरोवर है, उतना बिडेढ़ा सरोवर किसी दूसरे गुरुद्वारा के साथ नहीं है। राजनीति के साथ धर्म का इतना घाल मेल कट्टर पंथ के लिए हमेशा उर्वर जमीन तैयार करता ही है। महत्वपूर्ण और चिंताजनक बात यह है कि इस बार के चुनाव में जो 5 दावेदार हैं, उनमें से कम 3 ऐसे हैं जो 3 दशकों से दबी आग को फिर से भड़काने की कोशिश में लगे हैं। ये संकेत आपको किसी दीवार पर लिखी इबारत से नहीं मिल सकता, लेकिन प्रदर्शन के लिए रखे गए अकाल तख्त के एक ऐसे विशाल मॉडल से मिल सकता है जिसे 40 साल पहले इसी सप्ताह सेना के विजयंत टैंकों और 25 पाउंड वाली तोपों के गोलों से शत विक्षत रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस मॉडल को बेडेड ही अर्थपूर्ण मकसद से अकाल तख्त और स्वर्ण मंदिर के बीच रखा गया है, ताकि यहां दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की नजर सबसे पहले इसी के ऊपर पेडी नीचे। इसे किसने वहां स्थापित किया? शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC ने। SGPC का कर्ता धर्ता कौन है? शिरोमणि अकाली दल, सिखों की प्रमुख राजनीतिक पार्टी, जो आज अपना वजूद बचाने की जद्दोजहद में लगी है, जिसका वोट प्रतिशत पहली बार 20 के आंकड़े से भी नीचे जा चुका है। कुछ वोट तो उसने कांग्रेस के हाथों गंवाए, जबकि बीडेढ़ा हिस्सा उसने पिछले विधानसभा चुनाव में अपनी बदहाली के साथ अपने हाथों गंवा दिया, और अब उसे नए पुराने उग्रवादी नेताओं के मेल से खतरा पैदा हो रहा है। उसने अपने सबसे मजबूत साथी भाजपा का साथ भी खो दिया। गौरतलब बात यह है कि केवल अकाली दल ही इस आग से नहीं खेल रहा है, यहाँ तक कि भाजपा भी, जिसके कई कार्यकर्ता आतंकवाद से लड़ाई में मारे गए थे, इस खेल में कूद पड़ी दे ही है। इसके एक उम्मीदवार सम्मानित पूर्व IFS अधिकारी तरणजीत सिंह संधू की एक बडेढ़ी चुनावी सभा में भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा, जबकि मंच पर नहीं पहुंचे थे पार्टी के ताकतवर सिख नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने पहले भाषण देते हुए श्रोताओं को याद दिलाया कि कांग्रेस पार्टी ने किस तरह आपके मंदिर पर टैंकों और तोपों से हमला किया था। पंजाब में बीते उस सबसे यातनादायी सप्ताह के 4 दशक बाद आज अकाली दल को लग रहा है कि उस सप्ताह की याद दिलाना उसकी राजनीतिक मजबूरी बन गई है, और भाजपा अपनी जगह बनाने और एक ठुकराए गए पुराने प्रेमी के रूप में बदला सधाने के फेर में इस हवा के साथ बह रही है। टूट चुकी पुरानी जोड़ी के दोनों साथी इस मामले में एक दूसरे से ओदैक ले रहे हैं, जबकि पूर्व IPS अधिकारी सिमरनजीत सिंह मानदूर के संगरूर में दोबारा चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। अमृतपाल सिंह फिलहाल डिब्रूगढ़ जेल में कैद, बगल के खड़ूर साहिब से, और सरबजीत सिंह फरीदकोट रिजर्व से चुनाव LDDH रहे हैं। गौरतलब है कि सरबजीत सिंह उस बेअंत सिंह के बेटे हैं जो इंदिरा गांधी हत्याकांड के लिए मौत की सजा पाने वालों में शामिल था। कट्टरपंथ खासकर उन इलाकों में वापसी कर रहा है जहां ग्रामीण सिखों की आबादी ज्यादा है, और इस चुनाव में दावेदार बनी 5 राजनीतिक ताकतों में से 3 इस आग से खेल रही हैं। अब आप समझ सकते हैं कि क्षत विक्षत अकाल तख्त साहिब का मॉडल आज पंजाब की दीवारों पर लिखी सबसे बेबाक इबारत क्यों है। अपने गुट का नाम कुछ विनीत भाव से वारिस दे पंजाब रखने वाला अमृतपाल सिंह अभी मात्र 31 वर्ष का है, और खुद को जर्नैल सिंह भिंडरान वाले, वह भी 30 वर्ष की उम्र में उभरा था, कि जमात का होने का दावा करता है। उसने पंजाब में पिछले साल खलबली मचा दी थी। भिंडरान वाले ने तो खालिस्तान का कभी नाम तक नहीं लिया था, लेकिन अमृतपाल इस नाम का खूब इस्तेमाल करता था। अपने एक साथी को पुलिस की गिरफ्त से छुड़ाने के लिए अजनाला में सीमावर्ती बिडेढ़ी पुलिस थाने पर दुस्साहसी हमला करने के कुछ दिनों के बाद उसे पिछले साल 23 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया गया, और असम के पूर्वी छोर पर
डिब्रूगढ़ जेल में बंद कर दिया गया था। ये जेल शायद तरण तारण के उसके जल उखेड़ा खुर्द गांव से सबसे दूर है, लेकिन तमाम आशंकाओं के बावजूद उसकी गिरफ्तारी का न कोई विरोध किया गया और न कोई बवाल किया गया। ऐसा लगा कि उसकी लोक गाथा का उपसंहार हो गया। एक गुब्बारा तेजी से फूला और फट गया। अब वह गुब्बारा फिर से फूलने लगा है। अमृतपाल अपने खड़ूर साहिब चुनाव क्षेत्र, जिसके अंदर उसका गांव स्थित है, से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव LIDH रहा है। उसे सिमरनजीत सिंह मान का समर्थन हासिल है। उनके पास उसका चुनाव चिन्ह नहीं है, मगर तमाम पोस्टर, पुस्तिकाएं, घोषणाएं सब इसकी बात करते हैं। मान ने मुझसे कहा कि अमृतपाल ने उनसे समर्थन मांगा और उन्होंने हाँ कह दिया, लेकिन इसके बाद कुछ सोचते हुए कहा कि वैसे मैं नहीं मानता कि उसे मेरे समर्थन की ज़रूरत है, वह ऐसे ही जीत रहा है। आप इसकी वजह जानना चाहते हैं तो मेरे साथ उस रोड शो में चलिए जिसका नेतृत्व उसकी माँ कर रही है। वे अमृतसर के बगल में और पंजाब की पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान के साथ लगे खड़ूर साहिब सीट से उसके लिए वोट मांगती घूम रही है। नीले भगवा और पीले रंग से बना उसका झंडा सबसे रंगीला है और उसे बिल्कुल माकूल चुनाव चिन्ह मिला है। माइक्रोफोन, नारे ऐसे नहीं हैं जिन पर आप आपत्ति कर सकें। दोपहर के 3 बज चुके हैं, सूरज पूरी बेरहमी बरत रहा है, तापमान चरम पर है। रोड शो जैसे जैसे गांवों के बीच से आगे बढ़ता है, उसके साथ चलने वाली गाड़ियों की संख्या बढ़ती जाती है, जुलूस बढ़ा होता जाता है। उसमें ज्यादातर युवा सिख कुछ निहंग नजर आते हैं, मगर कोई धार्मिक नारा नहीं सुनाई देता है। अमृतपाल के घर के बाहर लंगर लगा है, एक झुंड वहां पहुंचता है। मैं उसके पिता तरसेम सिंह से पूछता हूं कि चुनाव लड़ने गैढ़ने का खर्च कौन दे रहा है। वे बताते हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, संगत ही दे रही है और फिर अकाल पुरख ऊपर वाला है। बातचीत आगे बढ़ाते हुए मैं पूछता हूं कि क्या उन्हें लगता है कि अमृतपाल चुनाव जीत गया तो सरकार उसे रिहा कर देगी। मुंबई, बहरीन और दुबई में क्रेन ड्राइवर का कम कर चुके तरसेम सिंह का सोच बिल्कुल साफ है। तब उन्हें सोचना पड़ी ढेगा कि वे उसे वोट देने वाले 5 लाख एलडेड ग्राहकों को वे क्या जवाब देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।